मैं डॉक्टर रानी प्रगति प्रसाद, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, सूरत सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, रांची, नारी के प्रति महात्मा गांधी की विचारधारा पर आज मैं BA सेम 6 DSC 4 के छात्र छात्राओं के समक्ष अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने महिला अधिकार, पर्दा प्रथा आदि पर अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम भी किए। वे स्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता देने के पक्ष में थे। उनका कहना था, स्त्री पुरुष की सहचरी है, जिसकी मानसिक शक्ति पुरुष से कम नहीं है, उसे स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। अपने क्षेत्र में नारी की सर्वोच्चता उसी प्रकार स्वीकार की जानी चाहिए जिस प्रकार पुरुष की उसके क्षेत्र में की जाती है। स्त्री पुरुष का दर्जा समान है, पर वे एक नहीं है। दोनों की ऐसी अनुपम जोड़ी है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे का पूरक है। वे नारी को अबला कहने के भी सख्त खिलाफ थे। उनकी यह धारणा उनके आचरण, लेखों तथा व्याख्यानों में अनेक बार प्रकट हुई। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का यह उद्धरण जानने योग्य है। उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को धुतकारना है। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें उनकी वीरता की कई मिसालें मिलेंगी। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें तो कुछ ही महीनों में वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं। सामान्यतया महात्मा गांधी को धार्मिक, सामाजिक तथा सामाजिक मामलों में परंपरावादी तथा अनुदार माना जाता है, किंतु जहाँ तक हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है, गांधी जी ने जो दृष्टि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में न केवल अपने भीतर विकसित की बल्कि उसे अपने आचरण में भी उतारा, वह 21वीं शताब्दी के इस चरण में भी काफ़ी क्रांतिकारी लग सकती है। कभी-कभी यह बात बहुत अचरज भरी लगती है कि अनेक सामाजिक मामलों में परंपरावादी रीति नीति का समर्थन करने वाले गांधी जी महिलाओं से जुड़े प्रश्नों पर इतनी गहरी उदारवादी और समतावादी दृष्टि कैसे अपना पाए। परंतु उनका आचरण तथा उनके लेख, भाषण, पत्र आदि इस तथ्य के जीवंत प्रमाण हैं कि वे नारी को पुरुष से किसी भी बात में कम नहीं आंकते थे और सहिष्णुता जैसे मामलों में तो औरतों को पुरुषों से अधिक समर्थ और सक्षम मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व का पूरा अवसर दिया। विभिन्न आंदोलनों में औरतों को शरीक करने के साथ साथ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के कार्यक्रम भी चलाए। उल्लेखनीय है कि नारी मुक्ति का शोर मचाने की बजाय उन्होंने महिलाओं को एकदम सहज ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग बनाया। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि महिला अधिकारों के संबंध में आज जो अनुकूल वातावरण हमें दिखाई दे रहा है उसकी नींव गांधी जी ने सरीखे महानुभावों ने बहुत पहले रख दी थी। इस संदर्भ में प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट का वह कथन एकदम सटीक प्रतीत होता है जो उन्होंने गांधी ऑन वुमेन पुस्तक की भूमिका में लिखा है। वे लिखती हैं, महिलाओं ने उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलन में सहज ढंग से भाग लिया। इससे भारतीय महिलाओं के जीवन में हमेशा के लिए एक मोड़ आ गया। मैं यह कहना चाहूँगी कि यदि गांधी जी यह मोड़ न लाए होते तो मैं न होती जो मैं आज हूँ। यह बात आज की हर महिला पर लागू होती है। गांधी जी यूँ तो समूची मानव जाति का सम्मान करते थे, परंतु महिलाओं के प्रति उनके दृष्टि हृदय में अत्यंत गहरी सहानुभूति और आदर का भाव मौजूद था। समूचे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक महिलाओं को न केवल स्वतंत्रता बल्कि संघर्ष में कूदने के लिए प्रेरित किया।
बल्कि उन्हें नेतृत्व करने का भी अवसर दिया। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सरोजनी नायडू, सुचेता कृपनाले, सुशीला नैयर, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, इंदिरा गांधी तथा कई अन्य महिला नेताओं ने कांग्रेस को सशक्त बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से सामाजिक उत्थान तथा अन्य रचनात्मक कार्यों को अपनाया। यही नहीं, गांधी जी ने कुछ विदेशी महिलाओं को भी अपने व्यवहार वसने से इतना प्रभावित किया कि वे अपना देश छोड़कर न केवल भारत में बस गईं, बल्कि भारतीय नाम और जीवन पद्धति भी अपनाईं और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया। इनमें सरलाबेन तथा मीराबेन जैसे नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महिलाओं के प्रति गांधी जी के सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सहृदय मानते थे। वे नारी को अबला कहने के भी सख्त खिलाफ थे। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी का एक उद्धरण जानने योग्य है। उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को धुतकारना है। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें उनकी वीरता की कई मिसालें मिलेंगी। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें तो कुछ ही महीनों में वे आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं। महिलाओं की इस आंतरिक शक्ति को गांधी जी सत्याग्रह जैसे अहिंसक हथियार के लिए सर्वथा उपयुक्त मानते थे। उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि सत्याग्रह से महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर समाज एवं देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। यह बात उनके इस कथन से स्पष्ट होती है, मैंने महिला सेवा को रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि सत्याग्रह से स्वतः ही महिलाओं को जिस तरह अंधेरे से बाहर निकलना है वैसे इतने कम समय में और किसी भी उपाय से नहीं हो सकता है। जाहिर है, भावात्मक स्तर पर सम्मान और समानता के समर्थन पर से महिलाओं को समाज में वास्तविक बराबरी नहीं दिलाई जा सकती। इस संबंध में गांधी जी का स्पष्ट मत था कि औरतों का शैक्षणिक स्तर सुधार कर उन्हें आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। इस दौर में ही गांधी जी ने महिला समानता के लिए आर्थिक स्वावलंबन की आवश्यकता को पहचान लिया था। उनके खादी आंदोलन का एक उद्देश्य स्वदेशी की भावना को उजागर करना और दूसरा उद्देश्य देश की गरीब जनता विशेषकर महिलाओं को, जो कि सामाजिक बंधनों के कारण घर से बाहर जाकर काम धंधे नहीं कर पाती थी, उन्हें घर पर चरखा या तकली चलाकर कुछ धन अर्जित करने का साधन उपलब्ध कराना था। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से गांवों, कस्बों, शहरों की लाखों निर्धन महिलाओं को देशभक्ति की अनुभूति के साथ साथ रोजगार भी और उनके जीवन में खुशहाली भी आई। महात्मा गांधी स्त्रियों के सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत चिंतित थे। महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक कुरीतियों के बारे में उनके मन में काफ़ी कड़वाहट थी। वे मानते थे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के कारण ही महिलाएं उन्नति नहीं कर पाती और शोषण, अन्याय तथा अत्याचार झेलने को विवश होती हैं। उन्होंने यद्यपि इन कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए कोई संगठित आंदोलन नहीं चलाया, किंतु विभिन्न मंचों पर अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से वे इन सामाजिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार करते रहे। गांधी जी कितनी गहराई तक स्त्री को समानता का हक देने के पक्षधर थे, इसे समझने के लिए यह संवाद देखा जा सकता है जो उन्होंने अपने सहयोगी और जाने माने विद्वान काका कालेक्वर के कहने पर बच्चों को भाषा ज्ञान कराने की बाल पोथी के लिए लिखा था। वह संवाद इस प्रकार है, माँ, बेटे, तुम्हें भी अपनी बहन की तरह घर के काम काज में हाथ बटाना चाहिए। लड़का, पर वह लड़की है, मैं तो लड़का हूँ, लड़कों का काम खेलना और पढ़ाई करना है। लड़की, ऐसा क्यों, मुझे भी तो खेलना और पढ़ना होता है। लड़का, इसमें मैं कब इनकार करता हूँ, परंतु मेरी प्यारी बहन, तुम्हें घर का काम ही करना होगा। माँ, लड़का, घर का काम क्यों ना करे,
लड़का, क्योंकि लड़के को बड़ा होकर धन कमाना होता है, इसलिए उसे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। माँ, बेटे तुम गलत कह रहे हो, औरत भी परिवार के लिए कमाई करती है, घर के काम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, घर के काम करके तुम कई कौशल सीख जाओगे और आत्मनिर्भर बन सकोगे, घर के काम अच्छी तरह से करने के लिए तुम्हें आँखों और हाथों तथा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, अतः इन कामों से शिक्षा मिलती है और हमें चरित्र निर्माण में मदद मिलती है। पुरुष व महिला दोनों को घर के काम सीखने चाहिए, क्योंकि घर दोनों का है। मात वास्तव में महात्मा गांधी नारी जाति के उत्थान के प्रबल प्रवक्ता थे। उनका मत था कि जब तक राष्ट्र की जननी स्वरूप हमारी स्त्रियां ज्ञानवान नहीं होंगी, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी और जब तक उनसे संबंधित कानूनों, रीति रिवाजों तथा पुरानी रूढ़ियों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकेगा। उन्होंने यहाँ तक विश्वास व्यक्त किया कि यदि हम अपने देश में अहिंसक समाज का निर्माण और दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो नेतृत्व स्त्रियों को सौंपना चाहिए। सर, धन्यवाद।